हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी वैसे तो विश्व में कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका प्रवाह केवल 916 किलोमीटर तक है। दोस्तों, यह उत्तर भारत की हिमालय नदी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वैसे तो उसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका प्रवाह केवल 916 किलोमीटर है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय माजुली बनाती है, ठीक है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी स्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले कैलाश मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जहाँ से सिंधु और सतलज नदियों का भी उद्गम होता है, ठीक है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से चेमायुंगडुंग से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। दोस्तों, यह नदी कई सारे नामों को भी बदलने वाली नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जब यह नदी अपने पूर्वी दिशा में बहती हुई चीन में प्रवेश करती है तो चीन में इसको यारलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। यारलुंग जंगबो इसे चीन में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने पर इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध शाब्दिक अर्थ होता है शोधक, प्योरीफायर, ठीक है। इसके बाद यह भारत यांगयाप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री लेती है। इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, इसे यहाँ पर दिहांग नाम से जाना जाता है। और जब इस नदी पर लोहित नदी बाएं तट से आकर मिलती है, यहाँ से लोहित नदी आकर मिलती है तथा इसी लोहित नदी के माध्यम से एक और नदी मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंगा, ठीक है। और यहाँ पर यहीं पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप, यहीं पर इन दोनों को मिलन होता है। और यहाँ इसके बाद लोहित नदी के मिलने के बाद से यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें ऊपर से एक नदी आके मिलती है। दोस्तों, ये इसका बायां नीचे वाला और ऊपर वाला दायां तट है, तो दाईं तरफ से एक नदी मिलती है आकर के जिसका नाम है सुबनसिरी, या फिर एग्जाम में पूछेगा ऊपर की तरफ से कौन सी नदियां मिलती है, नीचे की तरफ से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो ऊपर से एक नदी मिलती है इसका नाम है सुबनसिरी। इसके बाद इससे एक नदी और मिलती है यहीं से जिसका नाम है रंगा नदी। ये दोनों ऊपर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे से एक नदी मिलती है जिसका नाम है धनसिरी। धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली नदी आती है यहाँ पर जिया भरेली, एक नदी है जिसका उद्गम ब्रह्मपुत्र की ऊपरी तरफ से हो रहा है और इसका नाम है जिया भरेली, ठीक है। इसके बाद इससे नीचे से एक नदी मिलती है इसका नाम है कपिली, कपिली नदी, ठीक। इसके बाद ऊपर से एक और नदी मिलती है इससे जिसका नाम है पुथीमारी। दोस्तों, पुथीमारी नदी ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, दाई तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। पुथीमारी के बाद एक और नदी मिलती है मानस यहीं पर, ठीक है, और मानस के बाद इससे एक और नदी मिलती है जिसका नाम है संकोश नदी, ठीक है। संकोश नदी के पास ही एक क्षेत्र पड़ता है इसका नाम है धुबरी, धुबरी। दोस्तों, ये जो धुबरी पॉइंट है ये भारत का सबसे अंतिम सीमा बिंदु है। इसके बाद यह बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बांग्लादेश में इससे एक और नदी मिलती है आकर इसका नाम है तीस्ता, तीस्ता नदी आकर मिलती है, ठीक। और बांग्लादेश में दोस्तों इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना नदी, ठीक है, इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। ये यहाँ से बांग्लादेश एंटर स्टार्ट हो गया, ठीक, ये बांग्लादेश। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा से मिलती है तो यह मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक। और अंततः
बंगाल की खाड़ी में इसी नाम से यह गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं जो याद रखने हैं आपको। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई याद रखना, इसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर 2880 किलोमीटर देगा। अगर भारत में हम बात करें तो भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है, और यह सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो मैं बता चुका हूँ, माजुली बनाती है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी यही नदी बनाती है, जिसका नाम है दोस्तों उमानंद। ठीक है, या इसको हम मयूर नदी के मयूर द्वीप भी बोलते हैं, उमानंद, या इसको मयूर द्वीप भी बोलते हैं। और दोस्तों इसी नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे NW2, ठीक है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से धुबरी, ये असम में है और सदिया से धुबरी तक स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। इसके सहायक नदियों के नाम पूछता है, ऊपर से कौन सी नदी मिल रही है, नीचे से कौन सी नदी मिल रही है, या कौन सी इसकी बाई सहायिका है, कौन सी दाई सहायिका है। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए वो देखते हैं कौन से। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों ये बांग्लादेश में मिलती हैं। ठीक है, कहाँ मिलती हैं? बांग्लादेश में मिलती हैं ये धाराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम भारत में है, नर्मदा का भी भारत में है, गंगा का भी भारत में है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों जो सांगपो नदी है वह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यह यांगयाप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जब इसमें इसके बाएं तट से लोहित नदी इससे मिलती है तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है भारत में। ठीक, अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज भी यहीं से निकल रही है और ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि माजुली द्वीप का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है, यह असम में स्थित है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे छोटा दोनों द्वीपों का निर्माण, नदी द्वीपों का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है, या इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें गंगा की, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा दोस्तों मेघना कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहित निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, लोहित ब्रह्मपुत्र के सहायक है, स्वर्णश्री भी इसकी सहायक है, तीस्ता भी इसकी सहायक है, कावेरी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यालुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यालुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो दोस्तों जो दो नदियां हैं दोनों एक ही जगह से उद्गम हो रहा है वो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।